कहां जा सकते हैं दोनों? जोरा, बाबा कहां है? चले गए। कहां चले गए? मैं नहीं जानती। क्या मतलब कि नहीं जानती, कहां चले गए वो? जब मैं उठी तो वो यहां नहीं थे। बाबा कहां हैं आप? क्या फिक्रत साहब, आपको कुछ चाहिए? मुझे चाय ला दो और जोहरा से कह दो कि उनका नाश्ता तैयार है। जैसे आप कहें। क्या हुआ? कहां थे आप बाबा? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं आपका पूछ रहा हूँ, जोहरा का नहीं पूछ रहा। एक बात सुनो, तुम जोहरा का पूछ भी नहीं सकते, समझ गए तुम? आप ठीक तो है ना दादा? ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो, नाश्ता करो। क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे? मुझे भूख नहीं है। आ जाओ जोहरा। सुबह बख़ैर। शुक्रिया। मैंने कुछ घर में तब्दीली का सोचा है, जैसे कि कौन सा कमरा किसका होगा। ये ख्याल आपको कैसे आ गया? अली। कहिए दादा। तुम अपने कमरे में ठीक हो ना? मैं ठीक हूं दादा। ठीक है। जाकिर, तुम एंट्रेंस के साथ वाले कमरे में रहोगे, जो फायरप्लेस था और वो हवादार और कंफर्टेबल भी है। किचन के पास वाला कमरा बाबा? हाँ वही। अच्छा है ना, तुम्हें जो चीज चाहिए होगी वक्त पे मिल जाएगी। सिरमा, तुम बीवी हो, शोहर के साथ रह सकती हो, इसलिए जाकिर के साथ रहोगी। ये बहुत ज्यादती है बाबा, ये मेरा घर है और आप मेरे मेहमान हैं बाबा। मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। मैं कुछ नहीं भूलता बेटा, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं इस फैमिली का सरबराह मैं हूँ, ये याद रखना, और इसलिए फैसले भी मेरे ही होंगे। जब आप इस घर में आए थे तो मेरे मेहमान बनकर आए थे, और अब आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मेरे इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, लेकिन ये भी याद रखो कि मैं बाप हूँ तुम्हारा। नाश्ता नहीं करोगे क्या? बाबा, आप तो जाकिर को सजा देना चाहते थे ना, लेकिन मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? सिरमा, तुम जाकिर की बीवी हो बेटा, मत भूलो ये बात। माफी चाहती हूँ आपसे। मुझे भी कुछ काम है, जाना पड़ेगा। एंजॉय कीजिए। फिक्रत साहब, कुछ और ला दूं आपको? कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। जी ठीक है, लुत्फ़अंदोज़ हूँ। हाँ तो जोहरा,